कांग्रेस द्वारा प्रदेश में दी जा रही सभी गारंटियां मात्र झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस केवल और केवल प्रदेश में अपनी राजनीति चमकाने में लगी हुई है, जिसके चलते हिमाचल की भोली भाली जनता से कांग्रेस पार्टी गारंटियों के नाम पर छल कर रही है। लेकिन हिमाचल की जनता जागरूक है, वो कांग्रेस की इन झूठी गारंटियों पर नहीं आने वाली और आगामी चुनावों में भाजपा को समर्थन देकर भाजपा को पुनः सत्ता पर आसीन करवाएगी। यह बात सोमवार को भाजपा जिला प्रभारी मोहित सूद ने पत्रकारों से बातचीत में कही। आज जो विपक्ष के हमारे मित्र हैं वो हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं और इस इलेक्शन को कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा ने विकास का मॉडल फेल है। लेकिन मैं आपके समक्ष आज बोलना चाहता हूं कि पिछले सिर्फ चंद 10 दिनों का ही कार्य है जो हमारी भाजपा सरकार ने आज उद्घाटन जिनके हुए हैं मुख्यमंत्री द्वारा और जिनकी घोषणाएं डबल इंजन की सरकार के द्वारा हुई हैं वो मैं आपके समक्ष आज रखूंगा। तो सबसे पहले मैं एक बताना चाहता हूं कि पर्यटन की दृष्टि से 8 जो रोपवे हैं वो भाजपा की डबल इंजन सरकार की आज देन है, जिनमें से कांगड़ा में 2, कुल्लू चंबा सिरमौर और बिलासपुर में एक एक रोपवे का निर्माण होगा, जिसका कुल लंबाई 39 किलोमीटर होगी और उस पर 1348 करोड़ रुपए का व्यय होगा जो प्रदेश और केंद्र की सरकार मिलकर करेगी। इससे पर्यटन और रोजगार को बहुत बड़ा बढ़ावा हमारे प्रदेश में मिलेगा। जैसा आपको पहले भी ज्ञात है, एक बल्क ड्रग फार्मा का जो उद्घाटन जिसका हमारे को अभी सैंक्शन मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो 2 और बल्क ड्रग फार्मा के साथ एक हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश को दिया गया है, ये डबल इंजन की सरकार के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। और उसमें 50,000 करोड़ की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, 10,000 डायरेक्ट इम्प्लॉयमेंट और 20,000 इनडायरेक्ट इम्प्लॉयमेंट हम प्रदेश के युवाओं के लिए मुहैया करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।